नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी हाल ही में बीएसएफ में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और वो किस चीज का है? बीएसएफ वाटर विंग रिक्वायरमेंट 2022 का आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तो इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे कि बीएसएफ वाटर विंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ वाटर विंग का एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, बीएसएफ वाटर विंग का सिलेबस क्या रहेगा और बीएसएफ वाटर विंग की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएसएफ वाटर विंग वैकेंसी 2022 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाते हैं, फिर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आपको इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यानी बीएसएफ वाटर विंग नोटिफिकेशन 2022 मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज के बारे में है? बीएसएफ वाटर विंग एसआई हेड कांस्टेबल कांस्टेबल वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन वो जारी किया गया है। सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने वाटर विंग में विभिन्न रिक्त पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार बीएसएफ में वाटर विंग के अंतर्गत एसआई मास्टर, एसआई इंजन ड्राइवर, एसआई वर्कशॉप, हेड कांस्टेबल मास्टर, हेड कांस्टेबल इंजन, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप एंड कांस्टेबल क्रू के 281 रिक्त पदों के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 28 मई 2022 से 27 जून 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से बीएसएफ में बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी एंड सी वैकेंसी 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम बीएसएफ वाटर विंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के अन्य विवरण जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, आवेदन शुल्क क्या रहेगा और आवेदन कैसे करें आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी एंड सी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ एसआई मास्टर ग्रुप बी के अंतर्गत अगर बात करें तो 8 पोस्ट है। बीएसएफ वाटर विंग एसआई इंजन ड्राइवर की ग्रुप बी के अंतर्गत 6 पोस्ट है। बीएसएफ वाटर विंग एसआई वर्कशॉप के अंतर्गत ग्रुप बी की 2 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल मास्टर की अगर बात करें तो ग्रुप सी के अंतर्गत 52 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल ड्राइवर की अगर बात करें तो ग्रुप सी के अंतर्गत 64 पोस्ट है। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की अगर बात करें ग्रुप सी के अंतर्गत तो 19 पोस्ट है और कांस्टेबल की अगर बात करें तो ग्रुप सी के अंतर्गत क्रू की तो 130 पोस्ट है। टोटल अगर बात करें तो आपसे 281 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन अब आमंत्रित किए गए हैं। तो ये वैकेंसी आपकी बीएसएफ ग्रुप बी एंड सी की है वाटर विंग के अंतर्गत। तो अब बात करते हैं इन पदों के लिए आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा आपका। तो एसआई की अगर बात करें मास्टर की ग्रुप बी के अंतर्गत तो आपको किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से कक्षा 12वीं पास होना चाहिए और साथ में आपके पास मास्टर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। एसआई इंजन ड्राइवर की अगर बात करें ग्रुप बी के अंतर्गत तो आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 12वीं कक्षा पास होना चाहिए और आपके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए फर्स्ट क्लास का। अगर बात करें एसआई वर्कशॉप की ग्रुप बी के अंतर्गत तो आपके पास डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हेड कांस्टेबल मास्टर ग्रुप सी की अगर बात करें तो 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से और शेयरिंग सर्टिफिकेट आपके पास होना जरूरी है। अगर बात करें हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की तो आपको किसी भी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से 10वीं कक्षा पास होना चाहिए और आपके पास इंजन ड्राइवर का सर्टिफिकेट होना चाहिए सेकंड क्लास का। हेड कांस्टेबल वर्कशॉप ग्रुप सी की अगर बात करें तो आपका रिलेटेड फील्ड में क्या आपका आईटीआई किया होना चाहिए। अगर आपने आईटीआई कर रखी रिलेटेड फील्ड से तो आप हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हो। कांस्टेबल क्रू ग्रुप सी की अगर बात करें तो आपके पास 10वीं पास होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा बोर्ड से और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए बोट का और स्विमिंग का। तो आप क्या है कांस्टेबल क्रू के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो अलग अलग पोस्ट के लिए अलग आपकी योग्यता होनी जरूरी है। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो एसआई मास्टर की आपकी एज वो 22 से 28 वर्ष होनी चाहिए। एसआई इंजन ड्राइवर की भी आपकी 22 से 28 वर्ष आपकी आयु होनी चाहिए। एसआई वर्कशॉप की आपकी 20 से 25 वर्ष आयु रखी गई है। एचसी यानी कि हेड कांस्टेबल मास्टर की 20 से 25 वर्ष, हेड कांस्टेबल इंजन ड्राइवर की 20 से 25 वर्ष, हेड कांस्टेबल वर्कशॉप की भी 20 से 25 वर्ष और कांस्टेबल क्रू की अगर बात करें तो 20 से 25 वर्ष आपकी आयु होनी जरूरी है, यानी कम से कम 20 वर्ष और मैक्सिमम एज आपकी 25 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा आपको जो सरकारी नियमों के अनुसार सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। चलिए बात करते हैं इन पदों के लिए आप
क्या जो इंपोर्टेड डेट है वो क्या रखी गई है। इस भर्ती की इंपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ वाटर विंग ग्रुप बी एनसी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 28 मई से शुरू होंगे। लास्ट डेट की अगर बात करें तो आपके फॉर्म वो 27 जून 2022 तक आपके फॉर्म भरे जाएंगे, तो आपको 27 जून तक अपना फॉर्म भर के जमा करवा देना है। बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की अगर बात करें तो ग्रुप बी की पोस्ट की तो आपकी 200 रुपये फीस रखी गई है। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस जो कि ग्रुप सी के अंतर्गत अप्लाई करना चाहते हैं तो उनकी फीस है वो 100 रुपये रखी गई है, यानी ग्रुप बी के लिए 200 रुपये और ग्रुप सी के लिए 200 रुपये आपकी फीस लगेगी। बाकी जितनी भी आपकी कैटेगरी बचती है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी इनकी आपकी कोई फीस नहीं लगेगी, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपका फॉर्म भरा जाएगा। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपने फीस का भुगतान कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं अब बीएसएफ वाटर विंग सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो बीएसएफ वाटर विंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, सबसे पहले इसमें आपका रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद स्किल टेस्ट होगा, फिजिकल एफिशिएंसी एंड मेजरमेंट टेस्ट रहेगा यानी पी एंड पी एम टी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम रहेगा। इन सभी चरणों से गुजरने के बाद ही आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले जो आपका रिटन एग्जाम होगा उसके बारे में। तो बीएसएफ एसआई का जो आपका वाटर विंग के अंतर्गत एसआई जो कि मास्टर इंजन ड्राइवर और वर्कशॉप, इनका एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, तो इनके एग्जाम पैटर्न के बारे में अगर बात करें तो इसमें पार्ट ए रहेगा आपका जीके एंड अवेयरनेस का, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। पार्ट बी होगा रीजनिंग का, 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। पार्ट सी रहेगा 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। पार्ट डी रहेगा, सॉरी पार्ट सी में न्यूमेरिकल एबिलिटी के 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के। पार्ट डी में आपका जो ट्रेड से संबंधित आपके जिस भी ट्रेड से आप अप्लाई कर रहे हो उससे संबंधित 25 क्वेश्चन आएंगे 25 नंबर के, टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के। चलिए थोड़ी बात करते हैं पेपर के बारे में। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, पेपर ओवर बेस्ड रहेगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, पेपर को हल करने के लिए 1 घंटे का आपको समय दिया जाएगा। तो आपको जो एग्जाम पैटर्न बताया जा रहा है वो प्रीवियस ईयर के आधार पर बताया जा रहा है, और जब भी आप इसके लिए अप्लाई करो तो एक बार इसका नोटिफिकेशन है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है तो सारी चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएगी। बात करते हैं अब बीएसएफ वाटर विंग एचसी यानी हेड कांस्टेबल मास्टर इंजन वर्कशॉप एंड कांस्टेबल जो कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा आपका, तो इसमें पार्ट ए में क्या आएगा, जीके एंड अवेयरनेस आएगी, 35 क्वेश्चन आएंगे 35 नंबर के। पार्ट बी रीजनिंग आएगी, 35 क्वेश्चन 35 नंबर के। और पार्ट सी आएगी न्यूमेरिकल एबिलिटी जो जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे 30 नंबर के। टोटल अगर बात करें तो 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 100 नंबर का आपका पेपर है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं पेपर के बारे में, तो पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ओएमआर बेस्ड होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, प्रश्न पत्र में 100 प्रश्न होंगे, पेपर को हल करने के लिए 1 घंटे का समय दिया जाएगा। बात कर लेते हैं बीएसएफ वाटर विंग का सिलेबस क्या रहेगा। सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आएगा इंडियन हिस्ट्री, इंडियन जियोग्राफी, स्पोर्ट्स जो कि चैंपियनशिप, विनर, नंबर ऑफ प्लेयर, करंट अफेयर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इंडियन कल्चर, जनरल पॉलिटी और अदर मिसकेलेनियस क्वेश्चन आपसे जो कि जनरल नॉलेज से क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। बात करते हैं रीजनिंग का सिलेबस क्या रहेगा, तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आएंगे, विजुअल मेमोरी आ जाएगी, सीरीज जो कि नंबर और अल्फाबेट, अदर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, फिगर क्लासिफिकेशन, सेपरेट ओरिएंटेशन और डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। चलिए बात करते हैं न्यूमेरिकल एबिलिटी का सिलेबस क्या रहेगा, तो इसमें आ जाएगा बेसिक मल्टीपल आ जाएगी जो कि जो वर्ग और स्क्वायर से संबंधित क्वेश्चन है वो आ जाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, परसेंटेज, सिंपल मेंशनेशन, मिक्स्ड फ्रैक्शन, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट रेशियो, टाइम एंड वर्क से संबंधित आपके क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। बात कर लेते हैं जो आपसे ट्रेड से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सबसे पहले बात करते हैं मास्टर ट्रेड का सिलेबस क्या रहेगा, तो उसमें क्या क्या आएगा, स्टेप टू बी टेकन इन द इवेंट ऑफ वेजल ग्राउंडिंग, नॉलेज ऑफ स्टॉर्म एंड डिस्ट्रेस सिग्नल्स, क्वेश्चन ऑन द कैरिज ऑफ आयरन और कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, सीमेंट, फ्लाई ऐश एंड कंटेनर्स से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंटेनर से संबंधित आपके क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो इसमें आएगा प्रिविजन ऑफ द रूल मेड बाई IWAI इन रिस्पेक्ट ऑफ लाइफ सेविंग एंड फायर एप्लायंस एंड कंडक्ट ऑफ वेजल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे, मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड वेजल अंडरटो और पैंटोर और पुशिंग से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, प्रिविजन ऑफ द रूल विद रिगार्ड्स टू द कैरिज ऑफ पैसेंजर, नॉलेज ऑफ द इनलैंड वेजल एक्ट, मैनेजमेंट ऑफ इनलैंड वेजल अंडर ऑल कंडीशन से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसके अलावा द रूल
ऑफ द रोड एज रिगार्ड बोथ सेलिंग वेजल एंड मशीनिकली प्रॉपर वेजल और देयर रेगुलेशन लाइट फॉग एंड साउंड सिग्नल से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। नॉलेज ऑफ द कॉम्पास से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। द मार्किंग एंड यूज ऑफ द लीड लाइन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नॉलेज ऑफ लोडिंग मार्क्स एंड स्टेबिलिटी ऑफ इनलैंड वेजल और नॉलेज ऑफ जीपीएस डीजीपीएस वीएचएफ रेडर एंड इको साउंडर फॉर सेफ नेविगेशन से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सिलेबस आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके भी क्या देख सकते हो आराम से अगर समझ में ना आए तो। इंजन ड्राइवर ट्रेड की अगर बात करें तो इसमें क्या क्या आएगा, प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ इंटरनल कॉम्बस्टन इंजन से संबंधित आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। वाल्व सेटिंग एंड इंजेक्टर सेटिंग ऑफ मैरिन इंजन से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। एडजस्टमेंट ऑफ द वर्किंग पाथ ऑफ द इंजन टू गेट ऑप्टिमम एफिशिएंसी ऑफ द इंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ट्रबल शूटिंग ऑफ इंजन, फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ इंजन, रिप्लेसमेंट ऑफ वेरियस लाइन एंड सिलेंडर हेड ऑफ इंजन विद अप्रोप्रिएट नॉलेज ऑफ टॉर्क से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। ओवरहॉलिंग ऑफ इंजन से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। द प्रोविजन ऑफ द इनलैंड वेजल रूल फॉर लाइफ सेविंग फायर अप्लाइंस जनरल डिसिप्लिन से संबंधित अभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करते हैं ट्रेड अवेयरनेस से संबंधित क्या क्या आएगा इसमें, तो जल्दी जल्दी देख लें। वोल्टेज करंट रेजिस्टेंस मेंचर सर्किट ब्रेकर से संबंधित क्वेश्चन आ जाएंगे। कंपोनेंट्स ऑफ डीजल एंड पेट्रोल इंजन, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पंप ग्रेट गियर एंड कल्प्स, फ्यूल सिस्टम, लुब्रिकेशन सिस्टम एंड कूलिंग सिस्टम ऑफ द इंजन, इंटरनल कॉम्बिनेशन इंजन, साइकिल ऑफ टू स्ट्रोक फोर स्ट्रोक इंजन, इलेक्ट्रॉनिक्स डॉइड ट्रांजिस्टर एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से संबंधित क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। इसके अलावा जनरल इंजीनियर के सिलेबस आपका क्या क्या पूछा जाएगा इसमें, तो इसमें आएगा बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग एंड एवलुएशन, बाउंड्री वॉल, ब्रिक बिल्डिंग, फ्लोरिंग प्लास्टरिंग, इरिगेशन इंजीनियरिंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और क्वालिटी ऑफ वाटर द सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा तो उसके बाद आपको पीएचटी के लिए बुलाया जाएगा। पीएचटी में अगर बात करें तो इसमें एसटी की अगर बात करें और यूनाइटेड इंक्लूड नागालैंड एंड मिजोरम से संबंधित जो आपके कैंडिडेट है उनकी मिनिमम हाइट 60 सेंटीमीटर होनी चाहिए और मिनिमम चेस्ट आपके 73 सेंटीमीटर होनी चाहिए कम से कम, और 5 सेंटीमीटर आपको क्या फुलानी है। इसके अलावा अगर बात करें बाकी सभी कैटेगरी की तो आपके 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए जो कि आपकी पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, जो कि केरला, कर्नाटक, तमिल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और गोवा से संबंधित आते हैं। पुदुचेरी, लक्षद्वीप से जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 162.5 सेंटीमीटर और 75 सेंटीमीटर आपकी कम से कम चेस्ट होनी चाहिए और 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। इसके अलावा अगर बात करें पर्सन बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी, 165 सेंटीमीटर आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए और 75 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है, 5 सेंटीमीटर आपको फुलानी है। इसके अलावा अगर बात करें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बारे में तो आपको एक मील की रेस आपको 8 मिनट में पूरी करनी है। हाई जंप आपको 3 फीट 6 इंच दिया जाएगा, 3 अटेम्प्ट आपको पूरे करने हैं। लॉन्ग जंप में 11 फीट लॉन्ग जंप लगाना आपको, 3 अटेम्प्ट आपको दिए जाएंगे। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। सैलरी बारे में अगर बात करें तो बीएसएफ वाटर विंग सैलरी आपकी रहने वाली है वो 35,400 रुपये से लेकर 112,400 रुपये के हिसाब से आपको सैलरी दी जाएगी, जिसमें आपका पे लेवल है वो आपका 6 इसमें लगने वाला है। तो इसमें बहुत अच्छी सैलरी है, अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से हमने डिस्कस किया कि अभी हाल ही में बीएसएफ में वाटर विंग के अंतर्गत एक वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। साथ में हम डिस्कस किया कि बीएसएफ वाटर विंग का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, बीएसएफ वाटर विंग एसआई का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बीएसएफ वाटर विंग हेड कांस्टेबल का सिलेबस क्या रहेगा, बीएसएफ वाटर विंग की सैलरी क्या रहेगी और भी बहुत सारी बातें जो कि आपको बीएसएफ वाटर विंग भर्ती 2022 के बारे में जानना जरूरी थी, वो सारी बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड करी वो आपको अच्छी लगी और समझ में आई। अगर जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में आपको इधर बेल आइकन दे रखा है उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।